नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल फर्स्ट जर्नी 13 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के 3940 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फाइनली बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 को रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 39 दिन पूरे हो चुके हैं, तो वही 40वें दिन के रनिंग में थिएटर्स में चल रही है और फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कलेक्शन करती जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के अब तक के यानी टोटल 39 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे ये फिल्म आज अपने 40वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो गदर 2 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को रिलीज किया गया था और तब से फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच जोरों शोरों से हाइप और क्रेज बना हुआ है। बताते चले कि गदर 2 फिल्म को बहुत ही कम बजट में बनाया गया, यानी 80 करोड़ रुपए के बजट के सामने जो फिल्म ने बिजनेस कर दिखाया 24 दिनों में, वे वाकई में यार काबिले तारीफ है, क्योंकि फिल्म ने 24 दिनों में ही 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिखाया था, जबकि पठान को भी 28 दिन लगे थे 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने में। बताते चले कि फिल्म को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया। आप तो जानते हैं कि फिल्म की कहानी कितनी जोरदार है। नॉन हॉलीडे और वर्किंग डे में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार ताबड़तोब कलेक्शन करती जा रही है और बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है। अब अगर बात की जाए फिल्म की अब तक की यानी टोटल 40 दिनों की कलेक्शन को लेकर, तो बता दें कि फिल्म ने पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 40 करोड़ 10 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी, जो कि समझो तो एक 80 करोड़ वाली मूवी के लिए हिस्टोरिकल शुरुआत रही है। इसी तरह फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपने धुआंधार कलेक्शन जारी रखी और फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में ही ऑल ओवर इंडिया से लगभग 517 करोड़ 78 लाख रुपए तक के कलेक्शन कर चुकी थी। तो वही 38वें 39वें दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताबड़तोड़ पकड़ बनाए रखी और फिल्म ने जहां 38वें दिन लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए कमा डाले, तो वही 39वें दिन फिल्म की कलेक्शन में वर्किंग डे होने की वजह से थोड़ा बहुत ड्रॉप तो देखने को मिला, लेकिन फिर भी अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए फिल्म ने लगभग 75 लाख रुपए की शानदार कलेक्शन कर दिया। और इसी के साथ फिल्म के 39 दिनों की टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस लगभग 520 करोड़ 75 लाख रुपए की हो चुकी है। तो वही 39 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में लगभग 680 करोड़ 5 लाख रुपए तक के कलेक्शन कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के आज यानी 40वें दिन के कलेक्शन को लेकर, तो बता दें कि आज भी इस फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आज भी वर्किंग डे होने की वजह से जाहिर सी बात है कि फिल्म की कमाई में ग्रोथ के बदले ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग शो में ही फिल्म की ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 8 से 9% के बीच में देखने को मिली है, जो कि काफी शानदार शुरुआत मानी जा रही है ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से। और रात के शो तक फिल्म की ऑक्यूपेंसी रेट रिपोर्ट की माने लगभग 20% से भी ज्यादा की देखने को मिल सकती है, जिससे बता दें कि अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म आज के दिन लगभग 7 लाख रुपए तक के कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से करती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी के साथ फिल्म के 40 दिनों की टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 521 करोड़ 35 लाख रुपए के अराउंड देखने को मिल सकती है। तो वही 40 दिनों की दुनिया भर से हुई कलेक्शन लगभग 680 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि 40 दिनों की यानी आज की कलेक्शन के साथ ही फिल्म की टोटल इंडियन नेट कलेक्शन जो लगभग 521 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की देखने को मिल रही है और पठान का हिंदी वर्जन यानी लगभग 524 करोड़ 53 लाख रुपए का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गदर 2 को कम से कम 525 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन करनी होगी, जिससे समझो तो गदर 2 को और 4 करोड़ रुपए से कम ही कलेक्शन अप करनी है। जिस हिसाब से फिल्म के कलेक्शन का रफ्तार देखने को मिल रहा है, ये फिल्म बस 4 से 5 दिनों में ही पठान का हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी होगी। तो क्या लगता है आपको कि क्या पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे